नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज टेली में आप सभी का स्वागत है। रिपब्लिक देखने के लिए मिलती थी तयशुदा रकम, विशाल भंडारी ने की डायरी से कई खुलासे। टीआरपी फर्जीवाड़े में रिपब्लिक टीवी की हकीकत सामने आने लगी है। मुंबई पुलिस की पड़ताल में हंसा रिसर्च के पूर्व कर्मचारी विशाल भंडारी की डायरी से कई खुलासे हुए हैं। इस डायरी में कई घर वालों के नाम दर्ज है। इन घर वालों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो सामने आया कि रिपब्लिक टीवी को देखने के लिए हर महीने तयशुदा रकम दी जाती थी। मुंबई पुलिस की पूछताछ में कई घर वालों ने कहा कि हमें विशाल भंडारी की ओर से रिपब्लिक टीवी देखने के लिए हर महीने पैसा दिया गया। मुंबई पुलिस ने विशाल भंडारी और घर वालों के बीच मैसेज का आदान प्रदान भी पकड़ा है। रिपब्लिक चैनल की टीआरपी उन्हीं घर वालों में अधिक पाई गई जिन्हें विशाल भंडारी पैसे देता था। फर्जी टीआरपी मामले में गिरफ्तार किए गए विशाल भंडारी, बोमपल्ली राव, नारायण शर्मा और शीर्ष शेट्टी को 13 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन चारों से मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी। इस मामले में हंसा ने खुद ही जांच कराई थी जिसमें 5 घर वालों से बात की थी। इसमें 4 ने इनकार किया जबकि 1 ने माना कि उसे चैनल देखने के लिए पैसा दिया गया। पैसा मिलने की बात मानने वाली महिला के पास एयरटेल डिश टीवी कनेक्शन है और उसके पास इंडिया टुडे का सब्सक्रिप्शन नहीं है। जांच के दौरान एक गवाह ने बताया कि उसके घर पर एक बैरी मीटर लगा था जिसके लिए उसे हर माह 483 रुपए मिल रहे थे। गवाह के बयान के मुताबिक जनवरी 2020 में आरोपी विशाल भंडारी और दिनेश विश्वकर्मा मेरे घर आए। भंडारी और विश्वकर्मा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं रिपब्लिक टीवी देखता हूँ। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे रिपब्लिक टीवी पसंद नहीं है। भंडारी और विश्वकर्मा ने कहा कि यदि मैं रिपब्लिक टीवी देखूंगा और टीवी पर रिपब्लिक टीवी लगाकर उसे ऑन रखूंगा तो इसके लिए मुझे हर महीने 483 रुपए मिलेंगे। रिपब्लिक टीवी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही है। उसके मुताबिक मुंबई पुलिस पालघर और शांत सिंह राजपूत केस की चैनल द्वारा किए गए कवरेज के बदले इस तरह के आरोप लगा रही है। चैनल के मुताबिक बार्क ने अपनी शिकायत में कहीं भी रिपब्लिक का नाम नहीं लिया है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज टेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।